गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल फैंस है इलेवन। वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीए बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो मैच खेला जाएगा गोल्डन बुल्स वर्सेस आपको नॉर्थर्न टाइगर के साथ ये मैच खेला जाएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में आपको एसएल और जेएल के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, इसलिए गाइस स्किप नहीं कीजिएगा, फुली वीडियो देखिएगा। अगर फुली वीडियो देखते हैं तो इजिली बना पाएंगे अपने एसएल और जेएल टीम, इसलिए गाइस स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल की बात करते हैं, तो पॉइंट टेबल में आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे गोल्डन बुल्स की टीम 14 मैच में 14 मैच जीत के आ रही है, कोई मैच इनका लॉस नहीं रहा है। और नॉर्थर्न टाइगर की बात करें 14 मैच में 8 मैच जीत के आ रही है और 6 मैच इनका लॉस रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गोल्डन बुल्स की टीम मजबूत नज़र आ रही है। और गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसकी रिगार्डिंग बात करते हैं। बट गाइस फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आने वाली है फाइनल एसएल टीम, या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते जाएंगे। गाइस ज्वाइन करने के लिए या तो सर्च कर सकते हो @panther11abc और ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल, या गाइस आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया मिलेगा आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या गाइस आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिलेगा आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस सीबीएम में थोड़ी सी लाइनअप की प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे मिलते हैं 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम जिससे आप अपना इजिली टीम एडिट कर पाएंगे, लाइनअप ऑलरेडी आ चुकी रहेगी और यहाँ पे क्रेडिट की कोई इशू नहीं रहेगी। और गाइस अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो मच बेटर, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजन 11 का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड करके प्ले करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। हमारी जो विनिंग्स रेशियो है विजन 11 पे 80-90% है, आप देख सकते हो स्क्रॉल करके और यहाँ पे डाउनलोड करके प्ले करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं लास्ट मैच की जो दोनों टीम की बॉक्स स्कोर है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो अपना बुल्स की तरफ से गोल्डन बुल्स की तरफ से लास्ट मैच ये भी जीत के आ रही है, बहुत वन साइडेड मैच गया था 60 और 100, बहुत वन साइडेड मैच विन किया हुआ था। और इनके तरफ से लास्ट में जो स्टार्ट किए थे जे यू पॉइंट गार्ड से ये प्ले करते हैं और 34 मिनट्स प्ले किए थे, 10 पॉइंटर और 17 रिबाउंड, 2 असिस्ट 2 ब्लॉक 2 इनके स्टील थे। गुली की बात करते हैं ये आपको स्मॉल फॉर्ड से प्ले करते हैं, 32 मिनट्स इनको चांस मिला था, 19 पॉइंटर 8 रिबाउंड 5 असिस्ट 3 इनके स्टील थे। और डब्ल्यू यू की बात करें 25 मिनट्स प्ले करके आ रहे हैं, 11 पॉइंटर 9 रिबाउंड 1 असिस्ट 3 इनके स्टील थे। और वाई यंग की बात करते हैं 13 मिनट्स प्ले करके आ रहे हैं, 4 इनके असिस्ट थे और 4 स्टील थे। बेन से प्ले कर रहे थे डब्ल्यू यू जो 26 मिनट्स प्ले किए थे, 20 पॉइंटर 2 रिबाउंड 7 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। और एस चेंग की बात करें 24 मिनट्स प्ले करके आ रहे हैं, 11 पॉइंटर 2 रिबाउंड 3 असिस्ट 2 इनके स्टील थे। जेड वांग की बात करें 13 मिनट्स प्ले करके आ रहे और 4 इनके पॉइंटर थे, 5 रिबाउंड 1 असिस्ट। और गाइस यहाँ राइट की बात करते हैं, राइट को कम टाइम भी मिला था और 10 मिनट से इन्होंने 3 इनके रिबाउंड थे, 1 इनके ब्लॉक थे गाइस। और डी जैंग की बात करें 9 मिनट्स प्ले करके आ रहे, 6 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे। सेकेंड टीम की हम बात करते हैं पॉइंट टेबल की, जो ये मैच हार के आ रही है नॉर्थर्न टाइगर, और इनके तरफ से डब्लू जियांग जो स्टार्ट किया था बेहतरीन परफॉर्म किया था, 46 मिनट प्ले किया था, 26 पॉइंट 6 रिबाउंड 5 असिस्ट 2 इनके स्टील थे। वाई जियांग की बात करें 43 में फुली टाइम इनको मिला था, 20 पॉइंटर 3 रिबाउंड 7 असिस्ट। और डी कॉन्ग की बात करें 39 मिनट्स प्ले किया था, 20 पॉइंट 5 रिबाउंड 5 इनके असिस्ट थे। और डी जोंग जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म करते पॉइंट का सेक्शन से 37 मिनट्स प्ले किया था, 14 इनके पॉइंट रहते, 15 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। एली की बात कर 24 मिनट्स प्ले करके आ रहे, 4 पॉइंट 4 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे। सी जैंग की बात करें 27 मिनट्स प्ले किया था, 2 पॉइंट 7 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे, 2 इनके स्टील थे, बेहतरीन इनका भी परफॉर्म रहा था। बोवेन की बात करें, बोवेन को 15 मिनट चांस मिला था बट गाइस 3 पॉइंटर 1 रिबाउंड इनके थे। और वी जैंग जिन्होंने 5 मिनट प्ले किया था, 2 पॉइंटर 1 इनके रिबाउंड थे। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के मैच में जो एसएल प्लेयर जेल्स में हम लोग पिक करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कौन सी प्लेयर्स को हम लोग एसएल जेल्स में पिक करते हैं। तो पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको आज के मैच में डी जॉन्स जो स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मर है, अपनी टीम में मस्ट पिक करना है, एज ए कैप्टन ट्राई करना। डब्ल्यू यू की बात करें अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी स्टार्ट करेंगे आपको और अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना, आपके लिए जो बुल्स की तरफ से बेहतरीन ऑप्शन ये भी रहने वाले, अटैकिंग प्ले करते हैं। जे एच यू की बात करें ये आपको ये भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और वाई वांग भी स्टार्ट करेंगे, तो ये 4 प्लेयर्स आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे पॉइंट गार्ड सेक्शन से जो अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं, अपने टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। और डी जॉन्स के साथ आप कैप्टनसी चले जाना जो अटैकिंग प्ले करते हो। और यहाँ पे डब्ल्यू जियांग की बात करें ये भी आपको बेहतरीन लास्ट मैच परफॉर्म करके आ रही है, अपने टीम में इनको ट्राई कर लेना। और चुंग पेंग भी स्टार्ट करते हैं, अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना क्योंकि अगर क्रेडिट की इशू होती है तो गाइस यहाँ पर आप चाहो तो डी कॉन्ग को अपनी टीम में ले लेना क्योंकि 5.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। और डब्ल्यू जी लू ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि कम क्रेडिट में अवेलेबल है। स्मॉल फॉरवर्ड से बात करते हैं, जे गुली ये आपको स्टार्ट करेंगे बट ये 22 क्रेडिट में अवेलेबल है, अगर ये अगर आपके
टीम में क्रेडिट इशू नहीं होती तो इनको टीम में अपने ट्राई कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, अपने टीम में इनको ट्राई कर लेना। और युग सिंह जियांग की बात करें, ये आपके लिए स्टार्ट करेंगे, और अगर क्रेडिट इशू होती है तो आप गुली को ड्रॉप करके आप यहाँ पे जे युग सिंह को अपने टीम में ट्राई कर लेना। डब्ल्यू लियू भी आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, और टी लियू आपको बेंच से प्ले करेंगे, ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं। और पावर फॉर्ड से बात करते हैं, एल जी आई ये आपको बेंच से लास्ट मैच स्टार्ट इन्होंने किया था, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बट 14 क्रेडिट है, थोड़ी सी क्रेडिट की इशू होने वाली है, तो सी जोंग के साथ जा सकते हो, जो आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और यहाँ पे वाई जी हाउ भी हो सकते हैं, जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। एच डिंग भी आपको बेंच से प्ले करेंगे, अच्छे खासे ऑप्शंस ये भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। सेंटर से आपको एम राइट कम टाइम इनको मिला था, वैसे हो सकता है अगर आज इनको अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिले तो अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगर स्टार्ट करेंगे तो अपने टीम में पिक करना, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। एली आपके लिए अच्छे ऑप्शंस होंगे, क्योंकि ये स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। एच डाई की बात करें, बेंच से प्ले करेंगे, जेड जैंग अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अपने टीम में इनको पिक कर लेना। अब गाइस बात करते हैं टीम प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाली उसकी बात करते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेट टीम में गाइस मैंने जो पॉइंट गार्ड सेक्शन से पिक किया हुआ है, तीन प्लेयर्स को पिक किया हुआ है, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे डी जोंग्स हमारे टीम में कैप्टन रहने वाले हैं, और डब्ल्यू क्यू ये अगर स्टार्ट करते हैं तो अपने टीम में रहने वाले, अदरवाइज इनको मैं ड्रॉप कर दूंगा। अगर स्टार्ट करेंगे तो मस्ट पिक होने वाले, और जे च्यू हमारे टीम में रहने वाले। शूटिंग गार्ड से मैंने सी चुंग पेंग को लिया हुआ है, अगर ये स्टार्ट करेंगे मस्ट पिक होने वाले। और यहाँ स्मॉल फॉरवर्ड से आपको युग सिंह जियांग को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया है, जे पी पी ट्राई किया हुआ है। टी ल्यू क्रेडिट मैनेज के लिए मैंने पिक किया हुआ है सी जोंग, जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और डी जैंग भी आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये हमारी सेट टीम रहने वाले आज के मैच में। कैप्टनसी के लिए हमारे डी जोंग्स रहने वाले, और युग सिंह जियांग हमारे पी पी रहने वाले। बाकी फाइनल टीम के लिए गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर फाइनल एस एल टीम आने वाली है, या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसलिए मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे फाइनल एसएल टीम आने वाली है। और गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।